नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। 57 साल की सुरेखा यादव ने ऐसा काम किया है जिसके बाद उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बता दें, सुरेखा यादव ने सोमवार को मुंबई पुणे सोलापुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया, जिसके बाद वो पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बन गई है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ाई है। 34 साल तक सुरेखा यादव ने रेलवे को अपनी सेवा दी है। 2 साल पहले यानी साल 2021 में महिला दिवस पर 57 साल की सुरेखा यादव ने इच्छा जाहिर की थी कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना चाहती है। उनकी इस इच्छा को ध्यान में रखकर ही सबसे पहले मुंबई पुणे सोलापुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ाने का काम उन्हें दिया गया, जो सफल भी रहा है। अब उनके इस सफल प्रयास के लिए मध्य रेलवे ने उन्हें सम्मानित भी किया है। मुंबई पुणे सोलापुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कर एशिया की सबसे पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बनी सुरेखा यादव सतारा की रहने वाली है। सुरेखा यादव ने साल 1989 में अपने करियर को सहायक चालक के रूप में शुरू किया था। इसके बाद उन्हें सन 1996 में मालगाड़ी चलाने का मौका मिला। मालगाड़ी चलाने के बाद तो उन्होंने कई गाड़ियां पटरी पर दौड़ाई, वहीं अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर उन्होंने महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस को सफलतापूर्वक चलाकर और सभी नियमों संपर्कों को पूरा करने वाली सुरेखा यादव का कहना है कि वो भारतीय रेलवे की शुक्रगुजार है। उन्हें इस वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का मौका मिला जिससे वो काफी खुश भी है। जानकारी के लिए बता दें कि सुरेखा यादव ने जिस वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है वो सोलापुर से ठीक समय पर रवाना हुई थी, लेकिन सुरेखा ने निश्चित समय से 5 मिनट पहले ही उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सुरेखा यादव के इस कदम की प्रशंसा की है। अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सुरेखा यादव की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, नारी शक्ति द्वारा संचालित वंदे भारत, श्रीमती सुरेखा यादव भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की लोको पायलट है। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।